हाय गाइस, सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ प्री विंटर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। सो विंटर के टाइम में सबसे ज़्यादा हमें स्किन एंड बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है अगर आप अच्छी तरीके से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ना करो। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस को क्लीन, एंड ये फेस वॉश मैं डियर फेस वॉश रेडी की हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस विंटर के लिए, ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा। एक ऐसी फेस वॉश की आपको ज़रूरत है जो आपकी स्किन को विंटर के टाइम में ड्राई ना करे एंड बहुत ही अच्छे से क्लीन भी कर दे। तो उसके लिए ये फेस वॉश मुझे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। तो ये DIY फेस वॉश बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है गाइज, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। मैं इसमें ऐड की हूँ कर्ड एंड राइस फ्लावर, चावल का आटा। चावल का आटा हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा डीपली क्लीन करता है एंड कर्ड हमारी स्किन को लाइटनिंग प्रोवाइड करता है। आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग भी हो जाएगी इस फेस वॉश को यूज़ करने से, आपका स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा एंड आपकी स्किन पे पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। कर्ड हमारे स्किन के डार्क स्पॉट्स वगैरह को भी रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एंड चावल का आटा भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारी पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है एंड साथ में आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी करता है। इसमें क्लेंजिंग की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये कर्ड मैं इसलिए यूज़ की क्योंकि विंटर का टाइम है, विंटर के टाइम में हमारी स्किन को मॉइस्चराइजेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज रखेगा एंड आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी करेगा। तो अप्लाई हो जाने के बाद टोनर्स के लिए मैं सर्कुलर मोशन में मसाज करूँगी, जिससे हमारे स्किन के डॉट्स इजीली रिमूव हो सके। एंड मैं अपने फेस को वॉश कर ली एंड यू कैन सी माय फेस पहले से बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड ग्लोइंग भी लग रहा है एंड छूने से मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है एंड बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं है मेरी स्किन पे एंड काफ़ी अच्छा है ये फेस वॉश। अगर आप एक ऐसा फेस वॉश चाहते हो जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखे एंड ड्राई ना होने दे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ टोनर, ये टोनर DIY टोनर है, ये मैं खुद से प्रिपेयर की हूँ गाइस। ये कौन सा टोनर है अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट मिलो में पूछना एंड ये मैं कैसे बनाई हूँ अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं इस पर जब वीडियो भी बना के आप लोगों को दिखा सकती हूँ, तो आप लोग कमेंट मिलो में ज़रूर पूछना। तो ये टोनर को मैं इस तरह से टैप टैप करके पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, नेक पे। ये टोनर काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, मेरे स्किन को बहुत ही ज़्यादा सूथिंग बना देता है एंड हाइड्रेट करके रखता है। तो टोनर अप्लाई करने से काफ़ी अच्छा स्किन का टेक्सचर हो जाता है, ये आपके pH लेवल को भी बैलेंस करके रखता है एंड काफ़ी ग्लोइंग भी प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सीरम, ये है सिंपल का नाइसिनामाइड फेस सीरम गाइस। इसका ये टूट गया तो मैं हाथ में ही इसको निकाल के अप्लाई करने वाली हूँ गाइस। जैसे कि ये सीरम में नाइसिनामाइड है जो हमारी स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है एंड ये कुछ इस तरह का मिल्की टेक्सचर में है एंड मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस मॉइस्चराइजिंग भी प्रोवाइड करता है गाइस। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, पूरा मेरा पूरा बॉटल ख़त्म हो गया है, आप लोग देख सकते थे। एंड इसको लगाने के बाद एक अलग सी ग्लोइंग स्किन पे आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग एंड शाइनिंग मेरी स्किन पे दिखने को मिलता है एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस भी लगता है मेरा स्किन। अगर आप डार्क स्पॉट्स रिमूव करने के लिए कोई अच्छी सी सीरम देख रहे हो, लगाना चाहते हो, तो ये सीरम आप ले सकते हो। ये आपको 500 के अंडर मिल जाएगा एंड ये आपको इजीली फ्लिपकार्ट या अमेजोन नाइका पे भी मिल सकता है। तो ये सीरम से आपके डार्क स्पॉट्स रिमूव होगा एंड अनइवन स्किन टोन है तो वो भी आपके टोन को इम्प्रूव करता है एंड काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग भी प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्किन को मॉइस्चराइज करना। तो यहाँ मैं एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड फेस मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ गाइस। ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये आपके स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है एंड ग्लोइंग भी प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि सैंडलवुड मॉइस्चराइजर है, ये हमारे सन टैन को रिमूव करता है
इसको मैं पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई करके अच्छे से मसाज करते हुए लगाऊंगी फेस एंड नेक दोनों पे। ये मॉइस्चराइजर आपको पर्पल ऐप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा एंड अभी पर्पल पे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको कम प्राइस में ये मिल सकता है। तो आपको लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली ले सकते हो। ये विंटर के टाइम में मुझे ये फेस मॉइस्चराइजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ये मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सूथिंग एंड सॉफ्ट बना के रखा है एंड बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज भी रखता है। इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपचिपाहट फील नहीं हो रहा है मेरे स्किन पे एंड बहुत ही इंस्टेंट ग्लो भी प्रोवाइड किया एंड यू कैन सी माई स्किन पहले से कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। एंड ये सारा स्टेप करने के बाद मेरी स्किन पे बहुत ही अलग सी साइन आ गई है। एंड एक स्टेप और बचा हुआ है, वो है लिप को मॉइस्चराइज करना। गाइस अगर आप विंटर के टाइम में अपनी स्किन केयर कर रहे हो एंड लिप को मॉइस्चराइज नहीं कर रहे, तो आपका लिप काफ़ी ज़्यादा चैप्ड एंड ड्राई हो जाएगा, तो आपको लिप को भी मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए। ये लिप बम कौन सा है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मैं बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये लिप बम यूज़ करना। मैं डेली मॉर्निंग एंड नाइट में यही लिप बम अप्लाई करती हूँ। लिप बम मेरे लिप्स को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रखता है, इससे मेरे लिप बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है, फटता नहीं है। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरी ये विंटर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय।